पखांजी ब्लॉक के मायापुर पंचायत में असामाजिक तत्वों के ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति खंडित कर दी थी, जिसे अब तक ठीक नहीं कराया गया। इससे क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। सन 2008 में मायापुर से महाराष्ट्र पहुंच मुख्य मार्ग के 3 चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई थी। 5 सालों से खंडित मूर्ति को अब तक नहीं बनाया गया और इसके चारों ओर घास, गंदगी और कचरा जमा है। इससे यह अंदाजा हो सकता है कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि कितने लापरवाह हैं। कोयली बेड़ा ब्लॉक के जनपद उपाध्यक्ष किशोर मंडल ने लॉकडाउन और मिस्त्री न मिलने को इसका कारण बताया। वहीं हरपाल सिंह ने कहा है कि जिस संगठन ने मूर्ति स्थापित की है उसे देखभाल भी करनी चाहिए। हाँ, ये अपना क्षेत्र में ही है, खंडित है, इसलिए हम इसका बनाने की प्रयास किए, लेकिन उस टाइप का मिस्त्री अभी तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसको बनाने गए तो एकदम उसके एक्यूरेट होना चाहिए, और हम फिर भी टारगेट लिए, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में सरपंच जी से हम लोग 3-4 बार बात किया, थोड़ा पैसे के लिए उसका बिल बनाएगा प्रस्ताव, उसके बाद उसका रिपेयर किया। ये कितने दिनों से ऐसा खंडित है ये मूर्ति? ये है आपका गया पंचायत से, पिछले जो पंचायत उस पंचायत से ऐसा हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस मूर्ति को जिसने स्थापित किया, जिसने भी अनावरण करवाया, जो समिति है या संगठन है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी देख रेख करने की, और जो मूर्ति खरीदी है उसे उस मूर्ति को फिर से उसको सुधार करवाने की, उसको रिपेयर करवाने की और आसपास पूरी सफाई रखने की। धर्मपुरी